खबर विकासखंड चितरंगी के ग्राम पंचायत क्यूटली से है, जहां पर प्रशासन द्वारा लगाए गए हैंडपंप लगभग 2 महीने से बिगड़े पड़े हुए हैं। बंद पड़े होने के कारण लोगों को जल संकट से जूझना पड़ रहा। पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे ग्रामवासी। किसी भी तरह से सरपंच द्वारा ट्रैक्टर की व्यवस्था कर लोगों को जल प्रदान करवाया जा रहा। बता दें कि सरपंच द्वारा स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ साथ आलाधिकारी का भी ध्यान आकर्षण करवाया जा चुका है। जन प्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी के कान से अभी तक जू तक नहीं देख रहे। विकास की दुहाई देने वाली मौजूदा सरकार के दावे खोखले साबित नजर आ रहे हैं। देखिए प्राइम बी की न्यूज चैनल के लिए हमारे संवाददाता विनोद विश्वकर्मा की एक ग्राम रिपोर्ट। जी हाँ नमस्कार, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं पहुंच चुका हूं ग्राम पंचायत क्षेत्र क्योटली में और आज यहां पर बहुत लोग एकत्रित हुए हैं। आइए जानते हैं कि वर्तमान में जो गर्मी का मौसम चल रहा है इसके ताज़ा हालात क्या हैं। आइए शिव प्रसाद बंसल, कहां के रहने वाले हैं? ग्राम क्योटली। क्या समस्या है आपके ग्राम पंचायत में? हमारे यहाँ के हैंडपम्प नसाई हुई है। कितने हैंडपम्प बिगड़े हुए हैं? तीन। तीन हैंडपम्प बिगड़े हुए? कब से बिगड़े हुए हैं? अरे 2-3 महीना। आपने कभी शासन प्रशासन को अपने सरपंच को अवगत कराया बताया क्या? हाँ जी। तो फिर क्या बोला गया? आजकल बता रहे हैं। अच्छा, और तब तक पानी की क्या व्यवस्था है आप लोगों के लिए? अभी टैंकर से जा रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए आइए अब देखते हैं। सरपंच बैठे हुए हैं, ये सरपंच जी हैं अखंड प्रताप सिंह जी। मैं जानना चाहूंगा कि आपके यहाँ की पब्लिक ने, जनता ने अभी बताया कि पानी के लिए परेशान है, हैंडपंप बिगड़े हुए प्रणाम, तो क्या समस्या है और आपने क्या प्रयास किया? कई बार हमने पीएचआई एसडीओ साहब पटेल जी से बात की, उन्होंने आजकल कर बताया लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हुआ। फिलहाल काफी परेशानी हो रही है हैंडपंप में। 3 हैंडपंप है जो की पूरे के पूरे नीचे पानी चला गया, कोई बिगड़ पाना है, जो कि हम टैंकर से पानी पहुंचवा रहे हैं लेकिन जो हैंडपंप चल रहे हैं वो बन जाते हैं तो कुछ मोहल्लों में काम चालू हो जाता है। अच्छा, फिलहाल लोगों के लिए पानी की क्या व्यवस्था है? टैंकर से पहुंचवा रहे हैं। अच्छा जी, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि प्रशासन सुने, उस हैंडपंपों को जल्दी से जल्दी मरम्मत या बनवा दे, या फिर हमें अनुमति मिल जाए तो हम बनवा दें। जी बिल्कुल जी हाँ, आपने देखा कि सरपंच जी ने अपनी सारी समस्या को बता दिया, शासन प्रशासन तक ये पहुंचा चुके हैं। आज देखने को मिलता है कि कहीं बाजार में पानी बह रहा है तो कहीं गांव में पानी बह रहा है, अनायास पानी बह रहा है, अकारण पानी बह रहा है। वहीं एक ग्राम पंचायत क्योटली ऐसी पंचायत है जहां पानी के लिए तरह तरह किल्लत मची हुई है, सरपंच का प्रयास चल रहा है। बने रहिए आप सब लोग अगले ब्रेक के लिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।